हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नया फीचर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जिससे यूज़र के पास लिमिटेड चांसेस हों गेम को जीतने के लिए। मान लेते हैं कि यूज़र के पास सिर्फ 8 चांसेस हैं, तो उसको चलिए हम 8 चांसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड में। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन है हैंगमैन, और इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं जो हमारा पिछला कोड था। तो इसमें हमारा जो है लूप जो है इनफाइनाइट चलता है, तो हम एक वर्ड डालते हैं टी, ये लूप रुक नहीं रहा है और ये बार बार इनपुट लेता जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, इससे यूज़र जो है वो बोर हो जाएगा गेम को खेलते हुए। तो इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें लाइव्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे रिमेनिंग लाइव्स का, इसकी वैल्यू हम मान लीजिए 8 बार हम यूज़र को खिलाना चाहते हैं, तो हम इसकी वैल्यू 8 दे देते हैं। तो हमें लूप भी वहाँ तक चलाना पड़ेगा, लूप भी इटरेट कराना पड़ेगा रिमेनिंग लाइव्स तक, ताकि हम 8 के बाद लूप को बंद कर सकें। तो रिमेनिंग लाइव्स लेस देन 0, और जब जब यूज़र कोई गलत इनपुट देगा तब हमारा रिमेनिंग लाइव्स भी कम होना चाहिए। और एक बार हम प्रिंट करवा लेते हैं रिमेनिंग लाइव्स को, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे पास कितनी लाइव बची हुई है इस गेम को जीतने के लिए। इसको सेव कर लेते हैं, इसको टर्मिनल पर रन करा के देखते हैं एक बार। ये जैसे बोल रहा है वेलकम टू द गेम हैंगमैन, आई एम थिंकिंग अ वर्ड दैट इज़ 8 लेटर लॉन्ग। तो मैं टी डाल के देखता हूँ, नहीं है, तो उसने बता दिया आपके पास अब लाइव 7 बची है। अब मैं फिर से टी डालता हूँ, 6 5 4 3 2 1, और ऊप्स दैट लेटर इज़ नॉट माई वर्ड। अब ये हमारा इनपुट लेना बंद कर दिया है। तो हमने इसको लाइव्स को इम्प्लीमेंट करना सीख लिया है। थैंक यू।